हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीवन इन माय यूट्यूब चैनल रंजन सर ट्रिपल एस एस 88। फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री स्टैंडर्ड 10 एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, इसे कैसे सॉल्व करना है ध्यान दीजिए, क्वेश्चन किस प्रकार से है। तो इसे सॉल्व करना बस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की हेल्प से आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसकी वैल्यू याद होना चाहिए। तो देखिए, 5 है तो 5 लिख देना है, यहाँ पे कोई भी साइन नहीं तो मल्टीप्लाई। अब देखिए cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, स्क्वायर है तो फ्रेंड्स स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद प्लस तो प्लस, कोर तो कोर, मल्टीप्लाई यहाँ पे से 30 की वैल्यू 2/√3 इस प्रकार से, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस तो माइनस, 10/45 का क्या होगा स्क्वायर। अपॉन में देखिए फ्रेंड्स क्या करना है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस तो प्लस, कॉस 30 की वैल्यू तो √3/2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर। इस प्रकार से सभी की वैल्यू अरेंज कर लिए। अब देखिए फ्रेंड्स करना क्या है, सबसे पहले इसको अपॉन बना लिया, मेन अपॉन 5 है तो 5 इनटू, देखिए 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4 हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए प्लस तो प्लस, 4 है तो 4, मल्टीप्लाई देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो गया, अपॉन √3 का स्क्वायर √9, और √9 किसका होता 3 का। इस प्रकार से कर लेंगे, ऐसा नहीं कीजिएगा फ्रेंड्स के स्क्वायर से रूट कैंसिल, यदि आप स्क्वायर से रूट कैंसिल कर देते हैं तो 2 का भी स्क्वायर खत्म हो जाता है, इस प्रकार से गलत हो जाएगा। ये दोनों को बारी बारी से स्क्वायर कर लीजिए, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर √9, √9 किसका होता 3 का। उसके बाद माइनस तो माइनस, एक इसका 1 का स्क्वायर 1, इस प्रकार से कर लेंगे फ्रेंड्स। आप देखिए नीचे का जो टर्म है कैसे करना है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया अपॉन 2 का स्क्वायर 4, दोनों के लिए कर रहे हैं, प्लस तो प्लस कर लेंगे, √3 का स्क्वायर 3 हो गया और अपॉन 2 का स्क्वायर 4, इस प्रकार से कर लेंगे फ्रेंड। आप देखिए कोई कैंसिल होता है तो कैंसिल भी कर सकते हैं, नहीं होता है तो मत कीजिए। अब देखिए आगे का स्टेप, आगे का स्टेप क्या करना है, देखिए कटने वाला तो नहीं है, तो ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई, 5 बन जा 5 और अपॉन 4 का 4, यानी 5/4 इस प्रकार से लिख लिया, प्लस से तो प्लस, इसे कैसे करना है 16/3, यानी कि देखिए कैंसिल नहीं होगा तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई 16/3 और माइनस 1, कुछ नहीं तो 1 दे दीजिए। अपॉन में देखिए क्या होगा, वही 4/4 का एलसीएम तो 4 होगा, और यदि नीचे का नंबर सेम है तो ऊपर का नंबर ऐड कर दीजिए डायरेक्ट, यानी 4 हो गया। तो इस प्रकार से कर लिए फ्रेंड्स। अब ध्यान देना है ऊपर का एलसीएम कर लेना है, तो ऊपर का नंबर का एलसीएम कैसे करना है ध्यान दीजिए, 4, 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा 12, 4 से 12 कितने टाइम में 3 टाइम में, 3 5 15, और प्लस ए कितना होगा 3 से तो 4 टाइम, तो 4 16 64, इस प्रकार से आया, यानी बोला जाए तो 3 से कितने टाइम में 4 टाइम, 4 × 16 कितना हो गया 64। उसके बाद माइनस तो माइनस, 1 से 12 में तो 12 बन जा 12, और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स अपॉन कितना हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, यानी 1, इस प्रकार से कर लेंगे। अब 1 की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, 1 देना है ना नहीं दीजिए, देना है तो दीजिए अथवा नहीं देना है तो मत दीजिए। इन दोनों को प्लस कर लेंगे, प्लस प्लस तो कितना हो गया 9 या 7, ये हो गया 7, यानी 79 माइनस 12/12, 1 की कोई वैल्यू नहीं है। अब माइनस कर लीजिए तो कितना हो गया 67/12, यही हमारा फाइनली आंसर आ गया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।